राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। शिवराज सिंह चौहान की बात का पलटवार करते हुए पीडब्ल्यूडी एवं पर्यावरण मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पहले उड़न खटोले से पाला प्रभावित क्षेत्रों में जाते थे, हेलीपैड के पास बने मंच से किसानों से कहते थे कि भाइयों बहनों चिंता मत करना, मैं खजाना खोल दूंगा, लेकिन इनका खजाना खाली पड़ा था। अब जब शिवराज सिंह चौहान सड़क पर आ गए हैं तो किसानों के पास जा रहे हैं। वर्मा ने कहा कि अब तो उनके पैर को भी चूमना पड़ेगा। योजना बंद करने के मामले में वर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान, योजना ठीक होती तो तुम जीत जाते, तुम्हारी योजनाएं झूठ से भरी हुई थी, तुमने 15 साल में 21,000 से अधिक घोषणा की है, यदि उनको दिन में कन्वर्ट कर लेते तो एक दिन में 80 से 90 घोषणा तुम्हारे द्वारा की गई है। भैया ये मंत्री जगह जगह घूम तो रहे हैं, सरकार और क्या होती, तुम तो उड़न खटोले से जाते थे जब मुख्यमंत्री थे, उतरे जिस गांव में पाला पड़ा ओला पड़ा वहाँ उतरे, सामने मंच लगा रहता था, भाग के मंच पे चढ़ जाते थे, भाषण ढोकते थे, किसान भाइयों बहनों घबराना मत, मैंने तुम्हारे लिए खजाना खोल दिया, जबकि खजाना खाली रहता था, चोटे उनका वो भाषण दे के हेलीकॉप्टर में बैठ के भग जाता था। ये होता है कि अब तो सड़क पर आ गए तो तुम्हारे पिताजी को भी घूमना पड़ेगा, अब तो घूमना पड़ेगा भैया, हम तो घूम ही रहे, हमारी सरकार का हर मंत्री घूम रहा, तेरी योजना अच्छी होती तो जीत जाता रे भैया शिवराज, तेरी योजना पूरी झूठ से भरी हुई योजना थी दादा, तूने 14-15 साल में 21,000 घोषणा करी, यदि उन 15 साल को मैं दिन में कन्वर्ट कर लूँ ना, एक साल में 362 दिन 15 साल के लगा दो तो एक दिन में 80-90 घोषणाएं करी, इस आदमी ने घोषणा 10% भी पूरी नहीं हुई है। वर्मा ने कहा कि इनके द्वारा की गई घोषणाओं में से केवल 10% ही पूरी हुई है। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।